Hello students, so today we are going to learn Cyber Threats and Security, Chapter 10. In this chapter, we are going to cover cyber crime, cyber against an individual person, cyber crime against property, cyber against organization or society, cyber security. Okay, these are the contents which we are going to cover in this chapter. So what is cyber crime? First question. So computer and internet have become inseparable parts of our life in multiple spheres these days. So we can't imagine our life without computer, right? Nowadays in lockdown period, they are just become a very important part of our lifestyle, right? The booming technologies of the modern age have made our life much easier and more connected across the globe via interconnected networks. So the technologies which we are using in this modern age have become our life much easier. ठीक है, जो पहली चीजें होती थी, जो हमें चीजें करनी पड़ती थी, अब वो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, right? और हम ज्यादा connect भी हो गए हैं ग्लोब से. हम अपने घर पे बैठे बैठे ही एक दूसरी कंट्री के पर्सन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इजी. ग्लोबली हम कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड इंटरनेट कनेक्ट अस टू एनीबडी अक्रॉस द ग्लोब. वी आर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स. सो नाउअडेज वी आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट बाय मेनी मीन्स थ्रू कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट्स. तो बच्चों अब बहुत ज्यादा ना गैजेट्स आ गए हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए या इंटरनेट यूज करके कनेक्ट करने के लिए. जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर पहले भी थे लेकिन अब स्मार्टफोन्स भी हैं, टैबलेट्स भी हैं. तो देयर आर मेनी मीन्स नाउ, बहुत सारे वेज हैं जिनके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो. नेक्स्ट साइबर क्राइम. दीज गैजेट्स इन साइबर क्राइम द गैजेट्स विच वी डिस्कस राइट नाउ, मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट्स आर यूज फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, बुकिंग टिकट्स, प्लेइंग गेम्स एंड कनेक्टेड विद फ्रेंड्स. इससे हम ये कुछ चीजें हैं वी कैन से एक्सेट्रा. सर सो स्टोर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपने क्लास ली, ऑनलाइन क्लास ली, आप अपने नोट्स जो है वो स्टोर कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो. ऑनलाइन बैंकिंग आ गया है, आप घर बैठे बैठे ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. चेक कर सकते हो कितना अमाउंट बैलेंस है, क्रेडिट, डेबिट एंड देन ऑनलाइन शॉपिंग. आप घर बैठे बैठे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, विल जस्ट गेट इट, राइट? और आप उसे रिटर्न कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, सारी चीजें हैं. ठीक है, तो जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसमें आपको ट्रायल करके भी दिखाया जाता है, राइट? कि अगर आप यू आर गोइंग टू वियर दो थिंग्स, हाउ इट्स लुक लाइक, ड्रेसेस, रिव्यूज आप चेक कर सकते हो. देन बुकिंग टिकट्स, टिकट बुक कर सकते हो. पहले यू हैव टू रीच द स्टेशन बिफोर टाइम, यू हैव टू स्टैंड इन द क्यू, लॉन्ग क्यूज, एंड देन यू हैव टू बुक अ टिकट. बट अभी ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन टिकट्स के थ्रू, ई टिकट्स के थ्रू आप बुकिंग भी घर से ही कर सकते हो या कहीं से भी कर सकते हो. यू नीड अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन एंड अ डिवाइस. प्लेइंग गेम्स, दे आर मच पॉपुलर ऑनलाइन गेम्स नाउ. यू कैन प्ले गेम्स एंड कनेक्टेड विद फ्रेंड्स. कनेक्टिंग के लिए भी आप बहुत सारी सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज कर सकते हो एंड यू कैन ईजिली कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स. So, there are various challenges and threats associated with the use of these networks of today. So, बच्चों हर चीज के प्रॉन्स और कॉन्स होते हैं, ठीक है? So, यहाँ पे कुछ अलग चैलेंजेस या थ्रेट्स होते हैं जो हम फेस करते हैं जब हम नेटवर्क को यूज करते हैं, और इन थ्रेट्स को हम कहते हैं साइबर क्राइम. सो बच्चों साइबर क्राइम इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स विच आर कंबाइंड टूगेदर, साइबर प्लस क्राइम. साइबर का मतलब होता है इंटरनेट, ठीक है? तो जो क्राइम इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं. सो अ साइबर क्राइम इज एनी इलीगल एक्टिविटी डन थ्रू इंटरनेट. साइबर क्राइम एक कोई भी इलीगल एक्टिविटी हम बोल सकते हैं जो इंटरनेट के थ्रू होती है, जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी चुरा लेना किसी की और उसके बाद प्रिटेंड करना कि हम वो हैं. तो बच्चों पहले जमाने में जो भी एक्टिविटीज होली थी, इलीगल एक्टिविटीज, चोरियां हो गई, ठीक है,
वो इंटरनेट की मदद से नहीं होती थी, बट जो चोरियां या जो इलीगल एक्टिविटी इंटरनेट की मदद से होती हैं उन्हें कहते हैं साइबर क्राइम, और जो इंटरनेट की मदद से नहीं होती उन्हें हम सिंपली क्राइम भी कह सकते हैं. ओके, देन व्हेन समबडी कैन स्टील योर ईमेल और पासवर्ड एंड यूज इट टू सेंड फेक ईमेल्स टू पीपल कंटेनिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और विनिंग अ लॉटरी एक्सेट्रा. सो ये एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे कि किसी ने आपकी ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड यूज किया, उसने एक फेक ईमेल सेंड कर दिया किसी को भी जो फॉल्स इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है कि आपने प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा, आपने लॉटरी जीती. ठीक है, तो ये भी एक क्राइम के अंदर ही होता है. देन देयर आर क्रेडिट कार्ड अकाउंट थीव्स एंड इंटरनेट फ्रॉड लाइक ऑर्डरिंग गुड्स इन योर नेम, एक्सट्रैक्टिंग मोबाइल फोन्स कॉन्टेक्ट एक्सेट्रा. सो क्रेडिट कार्ड अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो चुरा ले कोई, इंटरनेट फ्रॉड हो सकते हैं, ऑर्डर कर दे कोई गुड आपके नाम से, गुड मतलब या कोई प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट कर ले मोबाइल फोन के कॉन्टेक्ट कि आप किससे बात कर रहे हो, आपकी जितने भी कॉन्टेक्ट हैं वो सारे एक्सेस कर ले. ठीक है, तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ साइबर क्राइम. देन साइबर क्राइम कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री मेन कैटेगरी. हम साइबर क्राइम को बच्चों थ्री मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन सी? साइबर अगेंस्ट एन इंडिविजुअल पर्सन, साइबर अगेंस्ट प्रॉपर्टी, साइबर अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी. ठीक है, इनको अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो साइबर अगेंस्ट एन इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन मतलब एक कोई पर्सन है, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है साइबर क्राइम हो रहा है, तब ये आता है साइबर क्राइम एन इंडिविजुअल पर्सन के अंदर. सो द ऑफेंसेस दैट कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज हार्म और थ्रेट एन इंडिविजुअल कम टू दिस कैटेगरी. जो ऑफेंसेस होते हैं बच्चों, जो क्राइम होते हैं, उनसे जो प्रभाव है या फिर जो कॉज है, जो अटेम्प्ट है, जो भी हार्म हो रहा है वो सिर्फ इंडिविजुअल को हो रहा है, सिर्फ एक पर्सन को हो रहा है, तब वो किस कैटेगरी में आएगा? क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल. देन दीज क्राइम्स कैन बी कमिटेड इन द फॉर्म ऑफ ईमेल स्पूफिंग, इट इज मीन्स मिसलीडिंग. देखो ये किस तरह हो सकते हैं. पहला है ईमेल स्पूफिंग. इसमें क्या होता है कि आप ये बोल सकते हो कि आप मिसलीड कर रहे हो किसी को. सो इसमें ईमेल स्पूफिंग में इन इट रिसीवर ऑफ अ मैसेज इज फूल्ड इन टू बिलीविंग दैट मैसेज रिसीव बाय हिम इज फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स विच एक्चुअली नोट्स हो. सो इसे एग्जाम्पल ऐसे समझो आप, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी, ठीक है, उसके थ्रू आपको कोई ईमेल आता है दैट यू गॉट एडमिशन और एनी स्कॉलरशिप और समथिंग. ठीक है, अब एबीसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, सो यू कैन बिलीव, राइट. सो बट वो ईमेल स्पूफिंग के थ्रू आया है, राइट. सो इस तरीके से ही ईमेल स्पूफिंग में क्या होता है, किसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे आपको मेल्स भेजे जाते हैं, फॉल्स मिसलीड किया जाता है, ठीक है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है. जैसे आपको मेल आया कि आपकी स्कॉलरशिप, आपको स्कॉलरशिप मिली है, यू जस्ट गेट 90%, 80%, तो आपको 80% की स्कॉलरशिप मिल रही है, पर ऐसा नहीं है. ठीक है, सो वो होती है ईमेल स्पूफिंग. सो व्हेन अ यूजर क्लिक ऑन द लिंक दैट इज फॉल्सली प्रोवाइडेड बाय द सेंडर, द मेलवेयर और वायरस एंटर्स इनटू द सिस्टम ऑफ द यूजर. सो जब एक यूजर क्लिक करता है लिंक पे जो फॉल्सली प्रोवाइडेड है सेंटर के थ्रू, एंड द मालवेयर और वायरस एंटर इनटू सिस्टम ऑफ द यूजर. ठीक है, अब एक आपको ना एक लिंक मिला, ठीक है, जो गलत प्रोवाइड किया गया है सेंटर के थ्रू. सो जो मालवेयर है या वायरस है जो एंटर हुआ आपके सिस्टम में, तो वो क्या करेगा, वो ना गलत वायरस जो है आपके सिस्टम में डाउनलोड कर देगा. आप जैसे ही क्लिक करोगे ना कुछ डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है. ठीक है, तो ये जो एक्टिविटीज हैं, दीज क्राइम कैन बी कमिटेड इन द फॉर्म ऑफ साइबर स्टॉकिंग. साइबर स्टॉकिंग इन इट एन अटैकर हैरेस अ विक्टिम थ्रू ईमेल, सोशल मीडिया, चैट रूम, ब्लॉग्स, इंस्टेंट मैसेजिंग. अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों साइबर स्टॉकिंग, स्टॉक करना किसी को. ठीक है, उसके बारे में सारी डिटेल्स निकालना. अब इसमें क्या करता है, जो अटैकर होता है, जो स्टॉकर होता है ना, वो आपको हैरेस करेगा
और आपको बहुत सारे ईमेल्स भेजेगा, सोशल मीडिया के थ्रू आपकी सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लेगा, चैट रूम के थ्रू, ब्लॉग्स, बहुत सारे इंस्टेंस मैसेजिंग के थ्रू भी। एंड अ स्टॉकर कैन बी एन ऑनलाइन स्ट्रेंजर और अ पर्सन नोन टू द टारगेटिंग पर्सन। ओके, ये एक बच्चों हो सकता है ऑनलाइन स्ट्रेंजर हो, स्ट्रेंजर मतलब जिसे आप नहीं जानते, हो सकता है कि आप उस पर्सन को जानते भी हो, ठीक है, जो एक पर्सन को टारगेट कर रहा है। ओके, ये लोग कभी कभी क्या करते हैं कि सर्च करते हैं चीजें, और जैसे कुछ, जैसे कि अगर स्टॉकर्स को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डेटा चाहिए, ठीक है, पर्संस का, जैसे कि जिन्होंने 12th पास किया है, दे वांट देयर डेटा, तो वो क्या करेंगे, वो सारी लिस्ट सर्च करते हैं, फिर पर्टिकुलरली जाके देखेंगे कि आप 12th कौन सी ईयर में की है, कहाँ से की है, वो सारी इंफॉर्मेशन वो ले लेते हैं। सो हैरेस एंड ह्यूमिलेट द विक्टिम बाय पोस्टिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। और ये क्या कर सकते हैं कि आपको हैरेस कर सकते हैं, ह्यूमिलेट भी कर सकते हैं, आपके बारे में गलत इंफॉर्मेशन डाल के। और ये क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, व्यू करते हैं विक्टिम की ऑनलाइन एक्टिविटीज को, डैमेज कर सकते हैं विक्टिम कंप्यूटर बाय सेंडिंग वायरस एंड ऑल। अब जैसे बच्चों क्या होता है कि सोशल मीडिया पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, अपना एड्रेस रखते हैं, अपनी आज क्या किया आपने, पहले क्या किया, सो ये क्या करेंगे, आपकी पूरी जो एक्टिविटीज है ना, डे टू डे पूरी मॉनिटर करेंगे, ऑनलाइन एक्टिविटीज को व्यू करते रहेंगे और डैमेज करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है, हैरेस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये आपके कंप्यूटर को भी हार्म कर सकते हैं वायरसेस सेंड कर, ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी साइबर स्टॉकिंग के। नाउ इन रियल लाइफ वी हैड टू स्टील और रॉबरी ऑफ वंस प्रॉपर्टी, नाउ नेक्स्ट इज साइबर अगेंस्ट प्रॉपर्टी। हम रियल लाइफ में ये सुनते हैं कि किसी ने किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, चुरा ली, ठीक है। अब अगर हम साइबर वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, इन साइबर वर्ल्ड द पर्सन थिंक ऑफ स्टीलिंग और रॉबरी ऑनलाइन ऑल्सो यूजिंग थ्रू इंटरनेट। अब मैंने आपको बताया ना, साइबर, जहां पे भी साइबर वर्ड आ गया आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इंटरनेट के थ्रू कुछ हो रहा है, ठीक है। तो साइबर वर्ल्ड पर्सन सोच रहा है कि मैं उसकी प्रॉपर्टी स्टील या रॉबर कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, नेट के थ्रू। तो दे कैन स्टील पर्सन बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट। क्या करेंगे कि बैंक डिटेल्स जो है ना, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बैंक डिटेल्स गैदर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे उनके मनी, वो अकाउंट डिटेल्स वहां पे फिल करेंगे। उसके बाद दे ट्राई टू विड्रॉ मनी एज सून एज पॉसिबल एंड एज मच एज पॉसिबल, जितनी जल्दी कर पाएंगे और जितना ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कर पाएंगे। नाउ मिस यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑफ अ पर्सन स्पॉइल द सिस्टम ऑफ पर्सन थ्रू मेलिशियस सॉफ्टवेयर। जैसे किसी ने मिस यूज करा आपके क्रेडिट कार्ड का, किसी भी पर्सन के क्रेडिट कार्ड का, ये क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं सिस्टम ऑफ द पर्सन, ठीक है। मेलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब जिसमें वायरस हो, उसके थ्रू ये चीजें करी जाती हैं। देन आइडेंटिटी थीफ, आइडेंटिटी थेफ्ट किस तरह होता है, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि आपकी, जैसे आप एक पर्सन हो, एक आपकी आइडेंटिटी चुरा के कि मैं वो पर्सन हूँ, आपके ही अकाउंट से आपके ही चीजों को यूज करना। सो दिस इंफॉर्मेशन इज यूज टू ऑब्टेन जेन्युइन डॉक्यूमेंट, न्यू क्रेडिट कार्ड्स टू परचेज, विड्रॉ मनी, गेट पासपोर्ट्स इन द विक्टम नेम। सो ये क्या करेंगे, नए क्रेडिट कार्ड ले लेंगे आपके नाम पे, विड्रॉ कर लेंगे कि मैं ए पर्सन हूँ, ये मेरा अकाउंट है, आप मुझे इतना मनी विड्रॉ करके दें, ये मैं ए पर्सन हूँ, आप मेरा पासपोर्ट बना के दे, ठीक है। बट वो ए पर्सन नहीं होते, वो कोई और पर्सन होता है, ठीक है। देन हैकर स्टील द इंफॉर्मेशन ईदर थ्रू द नेटवर्क द पर्सन इज कनेक्टेड और इट कीप द सॉफ्टवेयर अननोइंगली ऑन द पर्सन कंप्यूटर। हैकर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन चुराते हैं, नेट के थ्रू चुराते हैं, जो पर्सन कनेक्टेड नेट के थ्रू हो जाते हैं, नेटवर्क के थ्रू, और या फिर सॉफ्टवेयर अननोइंगली, जैसे पता ही नहीं लगेगा आपको, और आपके सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है, कीप करेंगे सॉफ्टवेयर का अननोइंगली ऑन अ पर्सन कंप्यूटर। उसके बाद जो है आपकी सारी डिटेल्स वो गैदर करने की कोशिश करते हैं।
Now, phishing. It is an act of sending an email to a user, misleading him to believe that it has come from a trusted organization or a person. So, इसमें क्या होता है? ईमेल सेंड होता है यूजर को और उसको मिसलीड किया जाता है ये बिलीव कराने के लिए कि ये ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्टेड पर्सन के थ्रू आया है. एंड यूजर इज आस्क्ड टू विजिट द वेबसाइट दैट स्पिल हिज पर्सनल क्रेडेंशियल्स सच एज यूजर नेम, आईडी, क्रेडिट कार्ड्स एंड एक्सेट्रा. एंड दिस वे अ क्राइम हैज डन अगेंस्ट योर नेम बाय स्टीलिंग योर ऑल डिटेल. सो यूजर क्या करेगा, जैसे एक आपको पास ईमेल आया कि आपको ये अपनी डिटेल्स फिल करनी है. जैसे आप किसी भी चीज के लिए, अगर एडमिशन के लिए चीजें कर रहे हो या फिर स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आपको एक मेल आया कि आप इस वेबसाइट पे जाएं और अपनी चीजें फिल कर दें एंड यू गॉट एडमिशन और स्कॉलरशिप. तो उसमें ना आपकी सारी डिटेल्स लेंगे, नेम, आईडी, आपके क्रेडिट कार्ड नंबर, सारी डिटेल्स वहां पे आप फिल करोगे. जैसे फिल करोगे तो वो क्या करेगा, आपकी डिटेल उस तक पहुंच जाएगी. ठीक है, तो इसके थ्रू कैसे क्राइम अगेंस्ट योर नेम, आपकी नेम के थ्रू कोई भी चीजें गलत इलीगल एक्टिविटीज कैन बी डन. ओके, यूजिंग योर डिटेल्स. फार्मिंग. सो इन दिस अ पीस ऑफ मलिशियस कोड इज इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर फॉर सर्वर व्हिच मिसडायरेक्ट्स द यूजर टू अ फ्रॉड वेबसाइट. तो ये एक पीस होता है बच्चों, पीस ऑफ मलिशियस कोड, जिस कोड में वायरस हो वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है. ठीक है, और वो क्या करेगा ना, आपके सर्वर को मिसडायरेक्ट करेगा फ्रॉड वेबसाइट की तरफ. बार बार वही वेबसाइट्स आपको अट्रैक्ट करेंगे, ओपन होंगे. सो आप सेकंड पिक में देख सकते हो हाउ अ पर्सन इज इंस्टॉलिंग, राइट. सो इसी तरीके से एक मलिशियस कोड जो है इंस्टॉल हो जाता है आपके कंप्यूटर में और उससे क्या होता है, मिसडायरेक्ट करता है वो आपको एक फ्रॉड वेबसाइट. ओके, तो ये होता है फार्मिंग तरीके से. Now, crime against organization or society. So, it is planned and motivated against attack to cause large scale disorder in computer network. ये plan होता है और ये motivated attacks होते हैं cause करने के लिए बहुत large scale पे. ठीक है, computer network को. In this category, the criminals hack government website, military websites. And create propaganda by using their details. इस category में क्या होता है कि जो criminals होते हैं ना वो attack करते हैं government की website को, जो government का data है उससे पाने की कोशिश करते हैं, military websites को जो बहुत confidential होती है बच्चों, उनका एक वो एक propaganda बनाते हैं और वो details gather करने की कोशिश करते हैं. Then transmitting virus. A computer virus is a program or set of program that the normal functioning of the computer. देखो बच्चों, जैसे कि human body में भी अगर आपको cold हो रहा है, fever हो रहा है, तो human body भी एक अलग तरीके से behave करती है. In the same way, computer virus जो होता है, a set of program that disrupt the normal functioning of the computer. और ये transmit करता है in the system and cause various stress in the system. अलग-अलग तरीके की मुश्किलें बोल सकते हो या threats बोल सकते हो, वो चीजें आने लगती है, आपका जो सिस्टम है वो नॉर्मली बिहेव नहीं करता. ओके, नेक्स्ट. नाउ क्रिएटिंग अ वायरस एंड स्प्रेडिंग इट इज अ साइबर क्राइम. एक वायरस को बनाना, उसको स्प्रेड करना भी एक साइबर क्राइम होता है. एंड ऑलमोस्ट ऑल वायरस आर अटैच विद एन एग्जीक्यूटिव फाइल. सो अंटिल दैट फाइल वी आर नॉट यूजिंग, इट इज सेफ. बट if that file is open for use, then it disrupts the speed and execution of computer system. So, जैसे एक फाइल है, उसमें वायरस है, ठीक है? जब तक आप उस फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, आपका कंप्यूटर सेफ है. बट जैसे आप उस फाइल को रन करना ट्राई करोगे, ओपन करना ट्राई करोगे, तो वो डिस्टर्ब कर देगा, स्पीड कम कर देगा. ठीक है, अलग अलग तरीके के थ्रेट्स एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्यूटर को वो हार्म कर सकते. Now, boot sector virus. It is a type of virus which becomes active at the time of booting the machine and destroy the data in hard disk. ये एक virus का ही type होता है जो active हो जाता है at the time of booting the machine and destroy the data in hard disk. जब आप machine को boot करोगे तब
या ये क्या करेगा, आपके डेटा को डिस्ट्रॉय कर देगा जो हार्ड डिस्क होगा। आफ्टर दैट प्रोग्राम फाइल वायरस, दिस वायरस बिकम एक्टिव इन द मेमोरी बाय रेप्लीकेटिंग इटसेल्फ एंड इन्फेक्टिंग फाइल्स एंड अदर प्रोग्राम फाइल्स ऑन द डिस्क विद द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग एंड मेकिंग देम अनरीडेबल। जो वायरस है वो एक्टिव हो जाते हैं मेमोरी में रिपीट करते हुए अपने आप को, और इन्फेक्ट कर देते हैं फाइल्स को या अदर फाइल्स को जो भी डिस्क में होती है। विद द इंटेंशन, उनकी इंटेंशन होती है कि हम चीजों को डैमेज कर दें, या फिर डैमेज ना करें तो वो यूजर यूज ना कर पाए, यूजर पढ़ ही ना पाए, अनरीडेबल बना देते हैं उनको। देन वी हैव पॉलीमॉर्फिक वायरस। अब पॉलीमॉर्फिक, दिस इज मेड बाय टू वर्ड्स, पॉली एंड मॉर्फ। पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फ इज फॉर्म। दिस टाइप ऑफ वायरस एग्जिबिट्स इटसेल्फ इन डिफरेंट फॉर्म्स एवरी टाइम इट्स रिफ्लेक्ट अ फाइल। अलग अलग, इसके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीकों से ये एग्जिबिट करता है अलग अलग फॉर्म्स में, जब भी ये इन्फेक्ट, अलग अलग तरीकों से ये फाइल को इन्फेक्ट करता है। ये क्लियर पैटर्न नहीं है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में। नाउ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, processes and control to protect system, networks, programs, devices and data from cyber attacks. Security मतलब आपको secure करना, ठीक है? ये एक application बोल सकते हैं हम, या फिर technology जो process करती है, control करती है to protect system, आपके system को protect करेगी, networks को और programs को, devices को cyber attacks, ठीक है, cyber threats, and it aims to reduce the risk of cyber attacks and protect against the unauthorized एक्सप्लोटेशन ऑफ सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड टेक्नोलॉजीज। इसका एम होता है कि जो साइबर रिस्क है अटैक्स का वो कम हो जाए, ठीक है, और प्रोटेक्ट करती है आपको अनऑथराइज एक्सप्लोटेशन ऑफ सिस्टम से भी, अनऑथराइज एक्सेस से, ठीक है, अगर कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस लेना चाहता है तो भी, एंड नेटवर्क्स एंड टेक्नोलॉजीज के थ्रू। देन एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। सो एंटी वायरस सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम दैट आर डिजाइन टू प्रिवेंट, जो डिजाइन होते हैं प्रिवेंट करने के लिए, या सर्च करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए वायरस को, या हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर वायरस को, या फिर अदर मेलिशियस सॉफ्टवेयर जैसे वॉर्म्स, ट्रोजन्स, एडवेयर्स, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये आपके कंप्यूटर को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, एंटी वायरस, ठीक है, जो वायरस से प्रिवेंट करते हैं। और यहाँ पे कुछ पॉपुलर एंटी वायरसेस के नाम भी दिए हुए हैं, मैक्सी, एवीजी एंटीवायरस, क्विक हील एंड माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल। सो दीज आर सम पॉपुलर एंटीवायरसेस। देन अ फायरवॉल। अ फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर्स एंड फिल्टर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड सिक्योरिटी पॉलिसीज। एट इट्स मोस्ट बेसिक, a firewall is essentially the barrier that sits between a private internal network and public internet. तो एक सिक्योरिटी डिवाइस होता है बच्चों, ये मॉनिटर करता है, फिल्टर करता है जो आपके पास डेटा आ रहा है, जो डेटा जा रहा है, नेटवर्क ट्रैफिक के थ्रू जो भी ट्रैफिक है, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन बेस करता है, ऑर्गेनाइजेशन प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड सिक्योरिटी पॉलिसीज पे, जो भी पॉलिसीज होती है उन्हें फॉलो करता है। एंड इट्स मोस्ट बेसिक, फायरवॉल इज एसेंशियली द बैरियर, एक तरीके का बैरियर होता है जो प्राइवेट इंटरनल नेटवर्क और पब्लिक इंटरनेट के बीच में होता है, ठीक है। देन वी हैव एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट यूजिंग क्रिप्टोग्राफी टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस टू डिजिटल इंफॉर्मेशन। क्रिप्टोग्राफी इज यूज टू प्रोटेक्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर एज वेल एज डिजिटल इंफॉर्मेशन दैट इज सेंड टू अदर कंप्यूटर ओवर द नेटवर्क और इंटरनेट। तो ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें क्रिप्टोग्राफी यूज की जाती है प्रिवेंट करने के लिए कि कोई एक्सेस ना ले, अनऑथराइज एक्सेस ना ले, डिजिटली इंफॉर्मेशन ना गैदर कर ले। और क्रिप्टोग्राफी इज यूज टू प्रोटेक्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर, ये यूज करने के लिए होता है कि प्रोटेक्ट करे डिजिटल इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर पे दी है, ओके, एंड डिजिटल इंफॉर्मेशन जो दूसरे कंप्यूटर से आई है इंटरनेट, ओके। After that, we have biometrics. Biometrics is the measurements and statistical analysis of people's unique physical and behavioral
characteristics. The technology is mainly used for identification and access control, or for identifying individuals who are under surveillance. Biometric क्या है? Measurements है या statistical analysis है. People की unique और physical behavioral characteristics हो गई, जैसे कि thumbprints हो गए, fingerprints हो गए, eye detection, face. तो ये टेक्नोलॉजी मेनली यूज होती है आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक्सेस कंट्रोल के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए. अगर मैं किसी बायोमेट्रिक की बात कर रही हूँ तो थंबप्रिंट की बात कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो उसके थ्रू मैं एक्सेस ले सकती हूँ कि कितने अलग अलग पर्सन हैं, राइट, कहाँ पे कौन कितने टाइम पे एक्सेस ले रहा है, राइट. तो ये बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए बहुत यूज होती है. मोबाइल फोन्स में भी आप देख सकते हो काफी बायोमेट्रिक्स आ गए हैं, थंबप्रिंट्स आ गए हैं, इरीज डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन. एंड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ बैकअप और डेटा बैकअप इज अ कॉपी ऑफ कंप्यूटर डेटा टेकन एंड स्टोर एल्सवेयर सो दैट इट मे बी यूज टू रीस्टोर द ओरिजिनल आफ्टर अ डेटा लूज इवेंट. सो ये एक तरीके का बैकअप होता है, और डेटा बैकअप जो क्या करता है, कॉपी कंप्यूटर की बना देता है, और इसमें क्या करता है वो डेटा को सेव कर लेता है, तो आप बाद में रीस्टोर कर सकते हो जब आपका डेटा लॉस हो जाए, या फिर आपके पास एक बैकअप कॉपी रहती है, ठीक है. देन कुकीज आर टेक्स्ट फाइल्स विद स्मॉल पीस ऑफ डेटा लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई योर कंप्यूटर एज यू यूज अ कंप्यूटर. सो कुकीज होती है टेक्स्ट फाइल्स स्मॉल पीसेस के साथ होती है. जैसे आपने एक साइट यूज करी, उसमें आपने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर दिया. So that are used to identify your computer as you use a computer. So next time जब आप वो साइट यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको आपकी यूजर आई डी या यूजर नेम और पासवर्ड दिखाएगा, वो कुकीज के थ्रू. ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. थैंक यू.